हो गया था बोलते हैं मुझे भी लेकिन पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया था, बाकी जो तुम लोग बोलो, अगर नहीं पढ़ाया था तो पढ़ा सर, दूँ। हो गया था हाँ हो प्रूफ गया था, बट हो गया था सर, फिर हो गया है। फिर आपने पहले तू रिपीट ही कर बोल रहा था ना दिया पार्ट की था, नहीं हुआ था। प्रूफ कर दिया था। सच में हो गया था तो मैं आगे बढ़ू। यस सर। हाँ सर हो गया। ओके तो उस पे बेस्ड एग्जांपल्स नहीं किए थे सर। चलो उस पे बेस्ड दो चार एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्राइटेरिया देखेंगे ऑफ सिमिलैरिटी। ओके पहला एग्जांपल, इन अ ट्रायंगल एबीसी बी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट BE is parallel to BC if AD equals to 4x minus 3, AE equals to 8x minus 7, BD equals to 3x minus 1, and CE equals to 5x minus 3, find x जल्दी कीजिए। हो गया। ओके तो अदिति हुआ आपका, जोयल, पार्थ, कनिष्का, जल्दी बताओ हो रहा है आपका, सर, हुआ हो रहा है। ओके जल्दी कीजिए। श्रावणी, मनन, कृष्णा, कनकप्रीत, कनकप्रीत आपको सब समझ में आता है, ऐसा तो नहीं लगता है कि लेट आई हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है? नो सर, आता है।
देवांशी आपने लेट ज्वाइन किया क्या? नो सर। बहुत पहले से ना? कैमरा तुमने आज फर्स्ट टाइम ऑन किया है? नहीं सर, मैंने बीच में किया था बट वो माइक 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 आपका माइक माइक इधर है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर वो मैंने वो बीच में कभी कभी वो सर वो भाई परेशान करता है ना तो थोड़ा कैमरा जब मन करता है सर इसलिए तो क्या फर्क पड़ता है सर। नहीं सर वो मेरा छोटा भाई है ना वो बार बार कभी कभी डिस्टर्ब करने आ जाता है तो वो भी पढ़ लेगा। ध्रुति कनिषा उर्वी जल्दी कीजिए आप लोग भी। सर हो गया। तो मैं बताऊंगा मैं करूं सर? एक मिनट हो गया। ओके जल्दी कर। अदिति तेरा हो गया ना? नहीं सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जल्दी कर। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड डिलीट हो गया है ना? मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड का वीडियो न्यू सिलेबस के हिसाब से? नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो डिलीट हो गया है सर। एक्स के दो वैल्यू है। कितनी खुशी हुई होगी ना तुम्हें कृषिता, सच बताना बहुत अच्छा लगा ना सर? सबको अच्छा लगा होगा। कुछ फायदा ही नहीं होगा। मतलब क्या मतलब ही क्या पढ़ने का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? कुछ नहीं पूछ सकता है, जितने डिलीट कर दिया। एक्स के दो वैल्यूज आ गए। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या मैं बता दूं बाकी लोग? और मनन, मनन से बात नहीं कर रहा हूँ, मनन के हेयर से बात कर रहा हूँ क्योंकि दिख तो सिर्फ वही रहा है। हाँ सर बोलो। क्या हुआ तेरे से? नहीं सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? चलो मैं बताता हूँ मनन, बताऊं अब कोई और रुकना तो मुझे रुकना तो नहीं चाहता है। देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, तो इन एबीसी ट्रायंगल देयर इज अ लाइन पैरेलल टू बीसी। कौन सा लाइन? डीई। सर बट इसमें एक हो सकता है। एक मिनट और ट्राई कर। डी और ई के पोजीशन स्विच हो गए तो? अरे भाग एक और ट्राई कर, बाद में सुनता हूं तेरी बात। हो गया। ओके पार्थ बोलो तुम क्या बोल रहे थे? डी और ई का वो पॉइंट्स स्विच हो सकते हैं ना, तो उससे आंसर गलत या सही हो सकता है। डी कौन से साइड पे वो लिखा नहीं है ना? ओ लिखा है लिखा है लिखा है, बच गया। आजकल एक लड़का है जो चुप रहता है, क्यों पता नहीं क्यों। ध्रुव समझ में आया तुझे तेरे से हुआ था? So AD 4X minus C, मुझे पता ही था। थोड़ा 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 होना क्या होता है बे? BD BD is 3X minus 1. Okay. CE is 5X minus. Now you see because DE is parallel to BC.
है ना, तो मैं AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE लिख सकता हूँ, पढ़ा था हम लोगों ने। सो AD इज 4x माइनस 3 बाय BD इज 3x माइनस 1, AE इज 8x माइनस 7 डिवाइडेड बाय CE इज 5x माइनस 3। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसको, so 4x minus 3 multiplied by 5x minus 3 equals to 8x minus 7 into 3x minus 1। अभी क्या हो लिखो गया, 20x square minus 15x minus 12x plus 9 equals to 24x square minus 21x minus 8x plus 7। तो ये क्या हो जाएगा, 4x square माइनस 29x प्लस 27x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये मत पूछना कि सर ये माइनस 4x स्क्वायर होगा ना, खुद से देखो एंड में, तुम अपने हिसाब से करके देखो एंड में मेरा और तुम्हारा सेम है या नहीं, और देखो मैंने कैसे किया है, खुद से समझने का एक बार ट्राई करो इसको, आप फैक्टराइज खुद से करो, मेरे से उम्मीद मत करो इतना। 2x minus 1 into x minus 2, actually x minus plus 2, ये होगा क्या, equals to 0, x minus 0, x minus 1 is 0, so x is minus half and x is 1, सही है, बोलो क्या यही सब का आंसर आया? हाँ सर। यस सर। लेकिन 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 x equals to minus half तो possible ही नहीं है, क्योंकि x minus half आप रखोगे तो 5x minus 3 negative हो जाएगा, एक length negative कैसे आ सकता है, 3x minus 1 negative आ जाएगा, एक length negative कैसे आ सकता है, 8x minus 7 सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल ओनली x इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में, सबने ये गलती किया था तो ध्यान रखो। सर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 ये क्यों नहीं होगा आपने बोला? क्योंकि माइनस हाफ पे सारे लेंथ्स नेगेटिव हो जाएंगे, this 4x minus 3, 3x minus 1, 8x minus 7, 5x minus 3, the length kabhi negative ho sakta hai kya? No sir. Isliye minus half nahi hoga. Ho gaya na? Aage badhe? Yes sir. Aur hard. Aur hard chahiye? Ye to hua nahi, aur hard chahiye. Wah. Mere se to hua. सर एक मिनट, बट तूने आंसर दोनों बताया ना माइनस हाफ एंड वन, तो उसे सही नहीं माना जाएगा ये, बाकी तक कॉपी करना जल्दी करो। नहीं सर लास्ट वाला स्टेप। हो गया अभी, नेक्स्ट एग्जांपल इज डी एंड ई, ठीक है थोड़ा सा हार्ड दे रहा हूँ हाँ कर लो, आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, फिगर ही क्यों नहीं दे देते सच दैट, क्या फिगर ही क्यों नहीं दे देते, वो तो पूछना पड़ेगा ना क्वेश्चन बनाने वाले से। ये होना सर सोल्यूशन ही दे देना चाहिए सीधे ही, वो भी तो हो सकता है क्यों,
बहुत इजी एक्चुअली है। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना। हुआ या बता दूं आप? हो गया, हुआ, पर लिखना बाकी है, जल्दी करो। सर कंप्लीटेड हो गया। चलो गुड, बहुत अच्छा।
उड़ता उड़ता ये खबर मिला है कि तुम लोगों के एरिया में आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या ये बात सही है? हाँ सर। क्या सर? कुछ लोगों के एरिया में, इसलिए हाँ सर बोला ना, कुछ लोगों के एरिया में लाइट नहीं है। कुछ नहीं बात, तो बीच के साइड में बैठा है ना, ओ शिट मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, तो फेक मतलब ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, ओ शिट कौन सा बीच है, वो भी लाइक वो 3D वाला कुछ दिख रहा है, ओ कौन सा पता नहीं। तुम लोगों के आसपास कौन सा लाइक बीच है, सबसे पास वाला बीच कौन सा है? मुंबई वाला जो हुई है सर, जो सर एक है पर उसका नाम नहीं आ रहा। हाँ सर शायद है पास में यहाँ पे सर, अलीबाग। अलीबाग, अलीबाग भी हाँ उधर ही होगा। अलीबाग, अलीबाग ज्यादा दूर है। हाँ सर। नहीं सर, अलीबाग के पहले भी एक है सर, मुझे उसी उधर का ही पता है। ठीक है, मुझे दोनों मतलब मुझे नहीं पता अलीबाग कितना दूर है वहां से, मुझे जो पता है। चलो मैं करता हूँ। ओके देखो, सो देयर इज अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को क्या नाम दूँ? कुछ नहीं दे सकते, जो गिवन है वही करना पड़ेगा, एबीसी। और क्या है? डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। ऐसा मत करना कि डी को ए सी पे ले लिया और ई को ए बी पे ले लिया, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके पार्थ? हाँ सर। AB is 12, AB is 12, see. ठीक है? Now, AD is 8, AE is 12, and AC is 18. So, find करते हैं क्या? AD by AB कितना आता है? 8 by 12 which is equals to 2 by 3 and AE by AC, so AE is 12, AC is 18, so because AD by AB is equals to AE by AC, therefore DE is parallel to BC, kidhar se? By converse of BBT, hence proof. समझा? दीघा बीच भी है, गूगल बाबा ने बताया। लाइट इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कांग्रेचुलेशन। सुबह से गई थी? हाँ मुझे पता है, सुबह से गई थी। हाँ पता है, सिर्फ में पता है सुबह से गई थी। ऐसा क्यों, सुबह से क्यों गई थी? इधर बारिश ज्यादा हुई क्या? क्या क्या क्यों ऐसा क्यों? ट्यूसडे, तो हर ट्यूसडे लाइट जाती है वहां पे। तो पनवेल ऐसा मुंबई में नहीं आता है क्या, इसीलिए? हो गया, देख लिया सर? आप कहाँ हो? पता नहीं, देख लिया? मत पूछ, बता। हो गया, एक और क्वेश्चन करें, एक और एग्जांपल करें। हाँ सर। बहुत इजी सा दे रहा हूं मैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी टफ तो दिया ही नहीं है, तुम भी जानते हो। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज in triangle ABC, if AD is the bisector of angle A, prove that
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी. सर ये टर्म टू में आएगा? आ सकता है, टर्म वन में आ रहा है सर. यहाँ पे मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ, लाइक यूजिंग ये एक थ्योरम आता है, सुन लो पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. वो थ्योरम कहता है कि इफ देयर इज एनी ट्रायंगल आप ए का एंगल बाइसेक्टर लेते हो, is the angle bisector, that means this angle and this angle are equal, then ratio of AB and AC, ratio of AB and AC is equals to BD upon DC. बहुत अच्छा theorem है ये, आपके NTSC सब में तो बहुत काम आया. Any triangle ABC, ratio of AB and AC is equals to BD and DC if AD is the angle bisector. Okay. और इसका proof? इसका proof चाहिए आपको? नहीं सर, पूछ. हाँ इसका proof है बिल्कुल, थोड़ा सा time लगेगा, अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ. बताऊँ? Yes sir. Yes sir. बता. इधर डी पॉइंट लेता हूँ, इसके बाद इसमें कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन होगा ड्रॉप परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी एंड सी टू एडी. बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर एडी पे, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, एडी पे, तो वो परपेंडिकुलर कुछ किधर होगा, ठीक है, क्योंकि अब एक से अंदर है तो दूसरे से बाहर, दोनों से अंदर परपेंडिकुलर नहीं है पॉसिबल, तो वो ट्रायंगल ही नहीं बन पाया. सोच के देखना, जैसे थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसे हम लोगों ने ऐसे एक्सटेंड कर दिया. समझा मैंने क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, बताइए. इसे मैं M बोल देता हूँ, इसे N बोल देता हूँ, एंड ये एक्चुअली डॉटेड लाइन ले लेते हैं हम लोग. उसके बाद अब देखो एक्चुअली ये सिमिलैरिटी से प्रूफ होगा. सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया तुम लोगों को पता है? पढ़ाया मैंने, क्योंकि क्राइटेरिया नहीं पढ़ाया. क्राइटेरिया मींस एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होता है, सीधी सी बात. सबसे मेन क्राइटेरिया ये होता है सर. ये था 9th में, 8th में भी था, इन रेशियोस भी सेम. अरे वो पढ़ेंगे ना बाद में, वो ऐसा दूसरा क्राइटेरिया होता है. यहां पे जिसकी जरूरत है मैं उसकी बात कर रहा हूं. इन ट्रायंगल ए नहीं, पहले ये स्मॉल वाला ले लेते हैं. इन ट्रायंगल बीडीएम एंड ट्रायंगल सीबीडीएम बोला है तो सीडीएम. देखो इधर कॉपी बाद में करना, तुम लोगों की आदत बहुत बुरी, जो मैं लिखते जाता हूँ तुम लोग भी लिखते जाते हैं, उससे तुम नहीं समझने वाले हो. सुनो पहले, मैं टाइम देता हूँ उन्हें लिखने का, जल्दी जल्दी लिख के क्या मिलेगा. सुनो फिर देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BDM और ट्रायंगल CDM. तो BDM का एंगल ये, एंगल BDM और एंगल CDM, क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर. यस सर. हां सर.
एंड साथ ही साथ 90 डिग्री भी इक्वल है, 90 डिग्री भी इक्वल है ए ए क्राइटेरिया, तो बाय ए ए ट्रायंगल दो एंगल्स है सर, हमने नाइन्थ में एंगल एंगल क्राइटेरिया नहीं पढ़ा था, नाइन्थ में आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, नाइन्थ में सिमिलरिटी पढ़े, सिमिलरिटी नहीं पढ़ा था, अभी हम लोग सिमिलर मतलब तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होगा, दो एंगल का नहीं पढ़ा है सर, अगर दो होगा तो सर तीसरा अपने आप हो जाएगा, सुनो सुनो, इफ कोई भी टू ट्रायंगल्स का दो एंगल इक्वल है तो थर्ड तो इक्वल ही होगा, यस सर, टू एंगल्स करस्पोंडिंग इक्वल है थर्ड तो इक्वल ही होगा, इसीलिए ट्रिपल ए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को डबल ए भी बोल सकते हैं, कि दोनों एक ही बात है ना, टू एंगल्स इक्वल तो थर्ड तो इक्वल ही होगा, अभी भी नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, ये देखो इधर सपोज ये एंगल थीटा है, नहीं नहीं अब तो समझो पूरा समझो, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा, टू एंगल्स इक्वल है, तो सर मैम आप लोग बताइए क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा होगा, यस सर, क्या ये एंगल भी 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा होगा, क्या अब आपको टू एंगल्स इक्वल होने से थर्ड एंगल इक्वल दिख रहा है, यस सर, है ना, तो कोई भी दो ट्रायंगल में अगर टू एंगल्स इक्वल होते हैं थर्ड तो वैसे भी इक्वल होता है, इसीलिए ट्रिपल ए को हम लोग डबल ए बोल के काम चलाएंगे, ठीक है, काम नहीं चलाएंगे एक्चुअली होता है वो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने डबल ए यूज किया सर, एग्जाम में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मार्क्स भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये होता है, ओके आपके सिलेबस में है, हाँ सर, ये एंगल बाइसेक्टर यूज कर सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी आपके सिलेबस में, सर ऐसा ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के साइड के साथ कर सकते हैं क्या, देखो कॉमन थोड़ा ये दिमाग लगाएगा ना, टू साइड्स को कैसे भी ऐसे मूव कर दिया मैंने, तो थर्ड साइड तो किसी भी लेंथ का हो सकता है, क्यों बात ऐसे क्यों देख रहा है तू, कुछ तो अलग कर रहा है ना बीसी में, सच बता सर, मैं एक बार कंफर्म करने के लिए पूछी, हाँ ठीक है, अच्छा लैपटॉप गरम हो रहा था, मैं टास्क मैनेजर देख रहा था, सर कल से पता नहीं अपडेट के बाद लैपटॉप ज्यादा ही गरम हो रहा है, जूम वाले जूम बहुत सीपीयू खा रहा है, कुछ तो ऑफ तो नहीं कर रहे क्योंकि तुझे ये सब कुछ पता है, क्यों अरे मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है इधर देख ध्यान दे, तो मैं किससे बात कर रहा था, हाँ रुको मुझे नाम याद करने दो, सर रिकिता, रिकिता रिकिता, हाँ रिकिता, रिकिता समझ में आया आपको, हाँ सर समझा, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर डबल ए से, ए ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गया, तो अब मैं यूज कर सकता हूँ, ये सिर्फ एंगल में होगा, फिर ये सिर्फ एंगल की प्रॉपर्टी में होगा, क्योंकि साइड तो हम कैसे भी मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो इक्वल नहीं होगा एंगल के, एंगल हाँ बिल्कुल एंगल में ही होगा सर, बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, बाद में कॉपी करना पार, अभी इधर देखो अदिति तुम भी लेके जा रही हो क्या, बाद में लिखना, तो यहाँ पे ये मैं यूज कर सकता हूँ बी डी बाय डी सी, समझो ना यार क्या कॉपी करने में लग जाते हो, BM by TN. देख लो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे ना, हाँ सर, यस सर, इन ट्रायंगल ADB, ADB ना नहीं AMB, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल ANC, ए एम बी और ए एन सी को देखो, क्या एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एन सी है 90 डिग्री, क्या एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल सी ए एन है, दोनों इक्वल है ना, एंगल बाइसेक्टर था वो,
वापस से बाय ए ए दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए सिमिलर टू ट्रायंगल एएनसी सर हाँ हमने सबसे पहले एम और एन को 90 डिग्री क्यों लिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया था अपन ने बीएम परपेंडिकुलर टू एडी एंड सीएल परपेंडिकुलर टू एडी ये कंस्ट्रक्शन किया था ना अपन ने ओके ये ऊपर कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ कंस्ट्रक्शन था बी एम परपेंडिकुलर टू एडी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू एडी ओके कृष्णिता समझा आपको हाँ सर ये 90 ले लिया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसको आगे क्या लिखो श्रावणी बताओ क्या एंगल्स इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ बी एम बाय सी एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी जिसकी जरूरत थी वही लिया अपन ने क्योंकि मैथ्स वैसे मतलब ही होता है सिर्फ जरूरत निकालता है ना फैक्ट है तो फॉर्म वन एंड टू क्या लिख सकता हूँ देखो बी डी बाय बी एम बाय सी एन क्या क्या आ रहा है ए बी अपॉन ए सी क्या दोनों से मैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी लिख सकता हूँ बोलो हाँ सर प्रूव समझा तो ऐसे हम लोग एंगल बायसेक्टर थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं सर छोटा करने की जरूरत नहीं दिखता है पूरा मेरा मन है छोटा करने का बाकी को नहीं दिखता है पूरा दिख रहा था क्या सच में एक साथ सर अभी दिख ये बेटर है या ये बेटर सर ये बेटर सर ये बेटर अच्छा तुम लोग स्क्रॉल डाउन करने पे भी दिखता है कि पार्ट तू ये बताना चाह रहा है कि तुम लोग खुद से भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हो नहीं सर हम नहीं कर सकते वही मैं सोच रहा था ऐसा कैसे हो गया होना भी नहीं चाहिए तुम्हें पता है इसमें जूम में ये भी रहता है कि अगर मैं आप एक बार आपको बोलूंगा कि यहाँ से मैं आपको ऐसे भेजूंगा कि तुम्हारा माइक मैं मतलब परमिशन चाहूंगा तुम्हारे माइक का तुमने एक बार अप्रूव कर दिया तो मैं अपनी मर्जी से कभी भी तुम्हारा माइक ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैं सोच रहा हूँ वैसा करूंगा सब लोगों से परमिशन देंगे नहीं वो तो लेना पड़ेगा ना वो तो रूल बना देंगे वैसे भी क्योंकि तुम लोग कभी भी ऐसे भाग जाते हो सही रहेगा परमिशन मांगता है वो कि चालू करना है कि नहीं पूछता है वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि परमिशन मांगता है मैं तुम लोगों से एक बार परमिशन वो एक बार नहीं हर बार मांगता है वो अरे भाई एक बार मीटिंग में तो एक ही बार मांगेगा ना एक दिन के मीटिंग में सर लेकिन हम क्यों देंगे ऐसे मत बोलो तब मैं एक्चुअली वैसा कर दूंगा सर फिर प्राइवेसी अरे भाई ऐसे मस्ती कर रहा हूँ नहीं करूंगा प्राइवेसी ये सब प्यार है तुम लोग प्राइवेसी बकवास पढ़ने का मन तो करता नहीं इन लोगों को प्राइवेसी चाहिए ये देखो अपने मूछे लगाता है वर्चुअली ये मतलब वर्चुअल बैकग्राउंड के साथ साथ वर्चुअली ये अपना जिसका पीसी गर्म हो रहा होता है तो लेक्चर के टाइम में वो ठंडा भी करता है और इनको प्राइवेसी चाहिए भगवान कैसे दिले क्यों पार्थ है कि नहीं बता सही बोल रहा होगा क्रोम चला रहा होगा पीछे क्रोम वही तो मुझे भी लग रहा है सर जूम अपडेट के बाद सीपीयू खा रहा है जूम अपडेट इसलिए मैं मान भी गया तुम्हारी बात जूम अपडेट तो हुआ है बट मेरा सर उसके बाद गरम हो रहा है मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूं इतनी बकवास है तेरा चेंज कर सर अपडेट के पहले मस्त ठंडा चलता था अब 40% सीपीयू जूम ही खा रहा है तो इसीलिए हो रहा है Zoom ने अब बोला है कि एक्चुअली सब लोगों से परमिशन लो हर मीटिंग में वो माइक ऑन करवाने का वो करने के बाद फिर वो ठंडा रहेगा क्यों पार्थ क्या बोलते हो करे ऐसा अब हो गया बकवास बहुत अब कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट अपडेट में सही हो जाएगा ओके पार्थ बात हुई थी मेरे जूम वालों से होपफुली होना चाहिए सर हम लोग कोई भी मतलब साइड अगर ढूंढना हो तो सर वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से भी ढूंढ सकते हैं ना अगर बाकी डेटा गिवन हो अब डिपेंड करता है ना अब ऐसा है कि इनफ डेटा गिवन ही नहीं है तो फिर नहीं ढूंढ पाएंगे इफ टू साइड्स गिवन है वन एंगल गिवन है तो टू थर्ड साइड ढूंढ सकते हैं सर एंगल कंपलसरी लगेगा हाँ क्योंकि टू साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड फिक्स नहीं है ना कि वही होगा क्योंकि टू साइड्स गिवन होने पे थर्ड साइड तो वेरी कर सकते हैं फिर वो इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं उसके राइट सोच के देखो इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं उसके तो मतलब ही क्या है इसीलिए थर्ड एक और डेटा होना जरूरी है और ये चैप्टर कितना बड़ा है इसके बाद मैं टॉपिक्स ही बता देता ना पहले वैसे का थ्योरम हो गया क्राइटेरियाज देखेंगे सिमिलैरिटी के उसके बाद एरियाज देखेंगे ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स फिर पाइथागोरस थ्योरम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम खत्म टू थ्री लेक्चर्स और लगेंगे बट मैं एग्जांपल्स ज्यादा करा के चार पांच लेक्चर खींचूंगा ठीक है सर करना जरूरी है हां बोलो सर तो संडे के टेस्ट में कौन से चैप्टर आएंगे तुम्हें क्या लगता है कौन से चैप्टर्स आएंगे तुम बताओ थोड़ा और उससे कम करो मतलब और अच्छा सोचो कि और तुम्हारे लिए अच्छा क्या हो पॉलीनोमियल और लीनियर इक्वेशन क्योंकि ट्रायंगल अभी तक मतलब दोनों क्लास में अलग अलग चल रहा है उसके लिए इतना दिमाग लगा लिया तुमने तुम्हें कैसे पता दोनों में अलग अलग चल रहे ये भी तो हो सकता है कि दोनों में जिस मतलब जिसमें कम पढ़ाया वहीं तक आए नहीं सर वो लोग हमारे आगे टीपी वन में आगे पढ़ा रहे हैं हम लोग पीछे है क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है ना उसका डिस्कशन में हमारा दो पीरियड चला गया था इतना सोचते हो और बिल्कुल सही सोच रहे हो एक्चुअली पॉलीनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस ही आएगा लेकिन उसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो टीपी वन आगे है तुम लोग पीछे हो ऐसा हो सकता था कि ट्रायंगल्स तुम लोगों को जहां तक पढ़ाया वहां तक ही आएगा ऐसा भी हो सकता था लेकिन एक्चुअली मैं सिर्फ पॉलीनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस ही डाला है मैंने ओके ओके सर उतना ही पढ़ना सर संडे के टेस्ट के लिए ना हाँ जस्ट 8th August और कोई डाउट जनरली यस ध्रुति मैं सेम डे ही अपलोड करता हूँ लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम और कभी कभी इफ आपका लेक्चर एंड में होगा 7:30 to 8:30 तो नेक्स्ट डे अपलोड होगा और अगर उससे पहले होगा तो सेम डे ठीक है अभी लिख लिया आपने ये हाँ बोलो सर जो कॉन्ग्रेंट होगा वो हमेशा सिमिलर होगा ना हाँ बिल्कुल आप ही सोचो सी कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है कि शेप और साइज दोनों सेम हो बिल्कुल शेप वाइज भी वो इक्वल हो ट्रायंगल साइज वाइज भी इक्वल और सिमिलर ट्रायंगल में का मतलब होता है कि शेप वाइज ही सिर्फ इक्वल होगा साइज डिफरेंट हो सकता है तो आप ही सोचो कि अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल तो वो सिमिलर तो होगा ही होगा लेकिन सिमिलर है डजंट मीन कि वो कॉन्ग्रुएंट ठीक है कॉन्ग्रुएंट है तो बिल्कुल फिक्स है कि वो सिमिलर है ओके यस सर अब हो गया ये नोट डाउन भी कर लिया आप लोगों ने हाँ सर तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला ट्राई करो
बट सीई का लेंथ पूछा था क्या? सी का लेंथ नहीं पूछा था ना मनन? हाँ सर, सी का लेंथ थोड़े ना पूछा था क्वेश्चन में सर, पिछले क्वेश्चन का था। हाँ पिछले क्वेश्चन में सी थोड़ी पूछा था, वही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उसे तो प्रूव करने को बोला था ना कि डीई बीसी के पैरेलल है, राइट? तो मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। नहीं नहीं, आपने मतलब ठीक है सही किया, लेकिन आपने सीई का लेंथ फाइंड कर दिया एंड में, वो नहीं करना था। जैसे एसी 18 आया एंड इन क्वेश्चन आल्सो एसी वाज 18, सो दैट मींस डीई इज पैरेलल टू बीसी, ओके ऐसे लिख सकते थे, ठीक है? सर मतलब वो एक्स्ट्रा आगे स्टेप कर दिया ना मैंने। हाँ तो एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया। ओके हो गया? हाँ बाकी लोग, किसी का बाकी है? देखो बताता हूँ। So there is a triangle ABC. क्या बताओ ना, बोलो या किसी और को टाइम चाहिए और ज्यादा? नहीं नहीं सर बताओ। ABC is a triangle, AD is bisector. ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसके बाद प्रूव करना एरिया ऑफ एबीडी एंड एसीडी का रेशियो एबीएसटूएसी आएगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या एक परपेंडिकुलर तो चाहिए वर्टेक्स ए से, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सपोज ए ई,
पहले तो बाय एंगल बायसेक्टर थ्योरम और ए बी डी बाय डी सी इक्वल टू क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी राइट बोलो है ना हाँ सर अभी क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ जो चाहिए ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ एंगल ए डी सी तो देखो ए बी डी का एरिया कितना आएगा हाफ इनटू बेस इज बी डी एंड हाइट इज ए ई डिवाइडेड बाय ए डी सी का एरिया क्या आएगा हाफ इनटू डी सी इनटू हाइट टू उसका भी ए ई है याद होगा बीपीटी में भी ऐसा तो किया था हम लोगों ने कि अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल रहता है तो उसका हाइट तो ट्रायंगल के बाहर ही रहता है तो हाफ हाफ खत्म हुआ एई एई खत्म हुआ व्हिच इज इक्वल टू बीडी बाय डीसी और बीडी बाय डीसी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ गया एबी अपॉन एसी भाई बात समझ में सर एडी को हाइट नहीं ले सकते क्या एडी को हाइट नहीं ले सकते नहीं हाइट मींस क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री एंगल फॉर्म होना चाहिए तो ही वो हाइट हो सकता है नहीं तो कैसे ले सकते बिल्कुल नहीं ले सकते ध्यान रखना ये ओके हाँ बोलो अदिति फिर से परपेंडिकुलर है ऑलरेडी नहीं ना वही तो अभी क्या आपने को ज्योमेट्री में कभी ये कुछ खुद से अज्यूम नहीं करना है कि कोई कुछ परपेंडिकुलर है या बाइसेक्ट कर रहा है हो सकता है दिखेगा बट खुद से अज्यूम बिल्कुल नहीं करना ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग जल्दी हो गया सर आपने ऑब्ट्यूस एंगल के हाइट के बारे में क्या कहा कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो हाइट अगर बेस अपन डीसी को लेंगे तो हाइट तो बाहर ही रहने वाला है ना राइट देखो अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसा रहेगा आपने बेस इसे लिया सपोज तो हाइट तो ट्रायंगल के बाहर ही रहेगा ना है कि नहीं हाइट में परपेंडिकुलर होना चाहिए ठीक है एरिया yes, स्क्रीनशॉट इसका हां सर हां सर मिलते हैं ओके बाय 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 सर बाय सर थैंक यू बाय सर